वोट दे के कोई फायदा नहीं है। क्यों? कभी नहीं के अब वोट ले वाला हाथ जोड़ के चला आता है कि वोट दीजिए, और वोट होने के बाद वो अपना फायदा दिखाता है। हम लोग का तो कभी कोई चीज का फायदे नहीं है। किसका दे वोट बाबू? कुछ तो हो रहा है, ये नहीं गली कुची हम लोग पानी उपजते मर रहे हैं, बूढ़ी होकर पानी उपज रहे हैं, घर में बह रहा है, कोई चीज का साधन नहीं है। पानी के साधन हम लोग क्या है, देखो तो स्कूल तक पानी पीने आते हैं, अगर स्कूल का कल टूट जाएगा तो हम लोग प्यासल मर जाएंगे। कहीं से अवध बाबू की अब दशहरा के पहले नल जल बना देंगे तो कहाँ सोके है, टाइम आता है तो ऐसा करता है जो रू बेटी के बहू के गोड़ लगता है। वोट दीजिए हमको तो कौन बिजनेस पर देगा भाई? वोट किन्हीं को नहीं दीजिएगा? नहीं, जब देखेंगे ताकि ताकत आपको तासीर देखेंगे तब नहीं देंगे वोट जी। इतना विकास इतना बंधित है, पैसा नगर में पड़ा हुआ 8 करोड़ रुपया, कोई ध्यान नहीं है किसी को नहीं। मैडम आइए, वो तो आउटडोर डायरेक्ट बोलती है कि जब हमको मन होगा तभी ना काम चालू करेंगे। लल्ली बहना चाहे नीचे से तो बह रहा है ऊपर से, कचड़ा सलाब फेंका रहा है, ऐसी है घर तल एकदम उड़ रहा है इधर से उधर, पब्लिक क्या करेगा। हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह बने हैं और बहुत बड़ा बड़ा वादा करके यहाँ से चले गए, आज तक क्या किए जी, कोई भी काम किए हैं? कार वेब समाचार में स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ बबुल कुमार। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, देश के तमाम छोटा बड़ा पार्टियाँ अपना तैयारी में लग चुके हैं। इसी विषय बिंदु पर बातचीत करने के लिए आज हम गया लोकसभा के बजीरगंज नगर पंचायत में हूँ। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा किनका देखना चाहते हैं और क्या इन लोगों का सोच है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान खान जी, नगर पंचायत का वार्ड नंबर 10 से पार्षद हूँ जी। ये बताइए अगला प्रधानमंत्री का चेहरा किनका देखना चाहते हैं? हमको तो लगता है सब मर जाओ बढ़िया रहे। क्यों? तो कौन कोई ध्यान नहीं देता है तो काहे प्रधानमंत्री बनेगा? आपका नगर पंचायत में क्या बनेगा? ठीक है जी, आपका नगर पंचायत में क्या विकास हुआ अभी तक जी? कोई विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ, 11वां महीना हो गया है जी। हमको लगता है कि 5 साल ऐसी रहेंगे, झाड़ू लेके लगता है जनता रोड पर आ जाएगा मारने के लिए हम लोग को। उतावलू तो जनता भी हो रहा है जी। इतना विकास इतना बंधित है, पैसा नगर में पड़ा हुआ 8 करोड़ रुपया, कोई ध्यान नहीं है किसी को नहीं। मैडम आइए, वो तो आउटडोर डायरेक्ट बोलती है कि जब हमको मन होगा तभी ना काम चालू करेंगे। तो हम लोग काहे जीत के हम लोग आए, जनता काहे जिताया है, हम जीते तब ना आ पाए हैं सेवा करने के लिए जी, जी। वो हमारे सचिव ने है जी। लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा तो हम लोग भी आराम से क्या करें, अब जनता का बात गाली सुन रहे हैं रोज जी। अब लोग आपका, आपका क्या नाम हो भैया? मोहम्मद राजू आलम जी। अगला प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश तेजस्वी किनका देखना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल में उनकी नहीं का देखना नहीं चाहते हैं जी, क्योंकि सब वादा करता है वादा पूरा नहीं करता जी। बहुत बड़ा बड़ा यहाँ वादा हुआ आज तक कोई काम नहीं हुआ जी, जी। और जो हमारे नगर पंचायत का काम करेगा विधायक यहाँ का उसी का हम लोग सहयोग सब मिलकर करेंगे, वरना किसी का नहीं करेंगे। आपका क्या नाम हुआ अंकल? मोहम्मद अनवर आलम जी। आपका प्रधानमंत्री का चेहरा किनका देखना चाहते हैं? किसी को नहीं जरूरत है अभी। क्यों? जब तक बाढ़ वाला को हमारा चार्ज नहीं करे, झाड़ू नहीं मारे, लल्ली नहीं साफ करे, बार बार विधायक को कहा जा रहा है उन लोग नहीं सुन रहा है, तो फिर वोट मांगने का क्यों हक है? नहीं हक है, इसीलिए लल्ली बहना चाहे नीचे से तो बह रहा है ऊपर से, कचड़ा सलाब फेंका रहा है, ऐसी है घर तल एकदम उड़ रहा है इधर से उधर, पब्लिक क्या करेगा? नगर पंचायत यानी बजीरगंज में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हम लोग बड़ी उम्मीद था वाला, एक नल्ली तक नहीं बना जी, आज तक एक नल्ली तक नहीं बना, तो क्या विकास हुआ जी? हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह बने हैं जी, जी। और बहुत बड़ा बड़ा वादा करके यहाँ से चले गए, आज तक क्या किए हैं जी? कोई भी काम किए हैं? कोई बता दे आके एक मुस्लिम समुदाय भवन नहीं बना, स्कूल में चाबी मांगते हैं हम लोग, उसका मास्टर डायरेक्ट हम लोग पे गर्म होता है कि ये बराती रुकाने वाला नहीं है, ये स्कूल है, यहाँ का केवल पढ़ाई होगा, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगा पढ़ने, शादी के ब्याह में। देखिए और महिला लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चाची इधर आइए। अगला प्रधानमंत्री वोट आप किसका दीजिएगा? वोट दे के कोई फायदा नहीं है। क्यों? कभी नहीं के अब वोट ले वाला हाथ जोड़ के चला आता है कि वोट दीजिए, और वोट होने के बाद वो अपना फायदा दिखाता है। हम लोग का तो कभी कोई चीज का फायदे नहीं है, कभी नहीं कुछ नहीं बोलते ओती घड़ी पैर पड़ता है कि जो है सो दो हम जिताएंगे तो करेंगे, और करे के बाद वो अपना पैकेट भरने तैयार रहता है। हम लोग का काम ही नहीं होगा करके क्या करेंगे, वोट देंगे नहीं? जो जनता आवे पहले काम करे, मेरा जितना काम बताएंगे हम लोग तब वोट देंगे, वोट देने के बाद तो नींद सोवेगा सुख के। दादी आपका नाम क्या हुआ? जुलेखा खातून। दादी बताइए आपका इतना उम्र हो गया हाँ। जी हाँ। ये बताइए कि आप किनका वोट देना पसंद करते हैं? किनका दे वोट बाबू?
ये कुछ तो हो रहा है, ये नहीं गली कुची हम लोग पानी उपछते मर रहे हैं, बूढ़ी होकर पानी उपछ रहे हैं, घर में बह रहा है, कोई चीज का साधन नहीं है, तो हम का चीज करें? क्या दादी पानी के साधन हम लोग कहे देखो तो स्कूल तक पानी पीने आते हैं, अगर स्कूल के कल टूट जाएगा तो हम लोग प्यासल मर जाएंगे। कहीं से अवध बाबू की अब दशहरा के पहले नल जल बना देंगे तो कहाँ सोके है तय माता तो ऐसा करता है जोरू बेटी के बहू के गोड़ लगता है। जी जी वोट दीजिए हमको जी। तो कौन बिजनेस पर देगा वोट? वोट किन्हीं को नहीं दीजिएगा? नहीं जब देखेंगे ताकि ताकत आपको बस तासीर देखेंगे तब नहीं देंगे वोट जी। ये कोई मसरफ नहीं हुआ? अच्छा अच्छा का चीज का मसरफ हुआ? आप हमको साथ कुछ नहीं कर रहे हो तो कहा के वोट देंगे? अच्छा ठीक सो के रहेंगे घर में। रोड का नल जल का सारा पैसा अवल है। अच्छा अध्यक्ष साहब के पास सारा पैसा अवल है। अच्छा मगर मैडम जो अधिकारी आया है नगर पंचायत कार्यालय में, अच्छा वो पैसा रोक के रख ले। अधिकारी का क्या नाम है जो आपको मतलब नगर पंचायत का विकास नहीं करना? अनुपमा कुमारी। अनुपमा कुमारी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अभी काम नहीं होगा। अच्छा अभी रोक के रखा जाएगा। अच्छा। वो दो तीन जो भी वार्ड पार्षदों को लेकर स्वस्थ अपने विकास काम कर अति करे, राजनीति बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग तो एक जनता है और हम लोग को भी समझ में आता है थोड़ा गलत सही तो जरूर समझते हैं। पूछते हैं तो कहता है कि भाई मैडम ऐसे किए हुए तो बाढ़ वाला क्या हम लोग क्या करें? अच्छा। बोलिए सर फोड़े कि क्या करें बोलिए। वार्ड पार्षदों से बहुत बार हम लोग विनती किए हैं कि नल जल के सबसे पहले कही था कि सारा के पहले आप पानी हम आपको साधन कर देंगे। कहाँ सो के है काका बाबू? कौन है काका बाबू? है मीरगंज को है। अच्छा वो क्या बोले थे कि अति दशहरा के पहले आप लोग के नल जल के हम तैयारी कर देंगे? अच्छा अच्छा है तो कहाँ कुछ की से बेटा देखिए स्कूल तक हम गार फींच रहे हैं, त्यौहार है हम लोग के और पानी पी रहे हैं, ये कोई मसरफ हुआ? अच्छा बताइए चाची है? पेंशन मिलता है? नहीं हमको 10 महीना से पेंशन भी नहीं बंद हो गया, मिलता था। अच्छा, नहीं दे रहा है, जाते बैंक में तो कहा पैसा नहीं आ रहा है, तो हमारे का पैसा आ रहा था कैसे रुक गया? फिर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं चाची बताइए? करेंगे नहीं, हम जरीफ हो गए हैं, हम मसूमात हैं, हमको पेंशन नहीं मिलेगा। सोचिए 10 महीना से रोक के है, काहे रोक के है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था नगर पंचायत बजरीगंज।